हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब। देखो आज हम क्या देखेंगे, गुजराती का वर्डशीट सॉल्व करेंगे। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टैंडर्ड के लिए सेम ही आने वाला है, और जो आपका डेट टू डेट होमवर्क इसमें दिया गया है वो आपको रोज कंप्लीट करना है। ओके, तो फर्स्ट इसमें क्या दिया है, खाली जगह पूरो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसमें क्या दिया है, क क के बाद क्या आता है, ख ग घ छ छ झ झ ट ठ ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ण श, और एंड में क्या आता है, ज्ञ। आया समझ में, जो हम रेगुलर स्कूल में लिख रहे थे वही चीज आई है ना। तो ये क्या था, गुजराती का व्यंजन। वेरी गुड, आया समझ में। पेज टर्न करेंगे, ये वापस से क्या आया आपका, 17 का होमवर्क आया। ओके, तो इसमें भी क्या दिया है, खाली जगह पूरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो अ के बाद क्या आता है, आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अम अह, और एंड में क्या आता है, ऋषि। ओके, तो ये क्या थे, स्वर थे गुजराती के। याद हो गया है लग रहा है सबको, है ना। तो आगे हमने क्या देखे, व्यंजन, और ये क्या हुए, स्वर। ओके, तो यानी ये टू पेज कौन सा है आपका, 17 का होमवर्क है। ठीक है, पेज टर्न करेंगे, देखो कौन सी डेट आ गई, 18 की। ठीक है, तो 18 में क्या दिया है, क थी ज्ञ सुधी लखो, यानी कि हमको कहाँ तक लिखना है, क टू ज्ञ तक लिखना है। पहले एक एक छोड़कर लिख कर दिया गया था ना, लेकिन अब तो हमको लर्न हो गया है, तो अब हम पूरा खुद से लिखेंगे। कैसे, क के बाद क्या आता है, ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ण श और ज्ञ। आया समझ में, अब तो इतनी बार बोला है हमको लर्न हो गया ये, है ना। अब पेज टर्न करेंगे, ये वापस से 18 का होमवर्क आया आपका। इसमें क्या दिया है, अ थी ऋषि सुधी लखो, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, गुजराती वाले स्वर लिखेंगे खुद से। ठीक है, अ आ ई ई ऊ ऊ ए आई ओ औ अम अह, और एंड में ऋषि। ओके, अब पेज टर्न करेंगे, देखो ये कब का आपका होमवर्क आया, 19 का। ठीक है, इसमें क्या दिया है, साची जोड़नी, यानी कि क्या है, मैचिंग है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखेंगे और इसका मैचिंग कौन सा है वो इधर देखेंगे, और फिर मैचिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या दिया है, क कमंडू का, है ना। तो अब हम इधर ढूंढेंगे कि क कमंडू कहाँ कहाँ है, तो ये रहा, तो इसको इससे हम क्या कर देंगे, मैचिंग कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है ख खटारानु घ, वो ये रहा, तो इससे मैच करेंगे। ग गणपति नु घ घर नु घ और च चकली नु चा। आया समझ में, पेज टर्न करेंगे, देखो फिर से 19 आया ना, यानी वन डे के आपके कितने टोटल पेज होमवर्क हुए, टू पेज हुए। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या दिया है, ये फिर से छाची जोड़नी है, लेकिन जो आगे वाली थी वो व्यंजन की थी, और ये कौन सी मैचिंग है, स्वर वाली, ठीक है। तो ये क्या है, अ अ आ ई ई और उ, आया समझ में, है ना सिंपल। अगर आपको लर्न है, बोलना आता है, पहचानना आता है, समझ में आता है, तो ही आप ये कर पाएंगे। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि इसको सीखना है और लर्न करना है, ठीक है। फिर से पेज टर्न करेंगे, देखो अब ये कौन सा तारीख का होमवर्क आया आपका, 20 का, ठीक है। इसमें क्या दिया है, गणत्री, यानी कि मैंने क्या बताया था आप लोगों को, गिनती, ठीक है। कौन सी है ये, अंकों वाली, यानी कि नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने, बे, त्राण, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और एकड़े मिंडे 10, ठीक है। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अने बगड़े मिंडे 20, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, आया समझ में। ये अपने करे थे ना क्लास में बेटा, ये वही है, आप लोगों को बोलने भी मैंने सिखाई थी। मेरे को लग रहा है आप लोग घर में शायद प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो करना है ना, आपको आनी चाहिए ना, सीखनी है ना गुजराती। पेज टर्न करेंगे, देखो फिर से कौन सा होमवर्क आया हमारा, 20 डेट का। इसमें कौन सी गिनती दी है, गणत्री लखो शब्दों में, जो शब्दों वाली सिखाई थी ना आपको, वो लिखेंगे। एक, बे, त्राण, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10, आया समझ में। जो इधर लिखा है नंबर, उसी की हमको गुजराती वाली स्पेलिंग लिखनी है, यानी कि शब्दों में लिखना है। तो इधर एक दिया है, तो एक, बे, त्राण, त्राण, आया ना समझ में। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है क्योंकि त्राण सीधा लिखेंगे, आया समझ में। ये अंकों में है और ये किस में है, शब्दों में है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ये उनकी स्पेलिंग है, गुजराती स्पेलिंग है। अब हुआ क्लियर, पेज टर्न करेंगे, देखो ये कौन सा होमवर्क आया आपका, 21 का। इसमें क्या दिया है, चित्र जोई पहलो अक्षर लिखो, कौन सा अक्षर लिखना है, व्यंजन वाला, ठीक है। यानी कि हमको ड्राइंग देखकर उसकी स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है गुजराती में, उसका सिर्फ बिना मात्रा लगाए हमको व्यंजन लिखना है, अक्षर लिखना है। जैसे कि ये किसकी ड्राइंग है, स्टार की, उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं ना, तो तारा किससे शुरू हुआ, त से। तो इधर लिखेंगे त। ये क्या है, सन है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं ना, तो इधर लिखेंगे स। फिर है कमर, का कमरनु क, तो क्या बोला हमने, क कमरनु क, तो इधर क्या आएगा, क, ठीक है। फिर ये क्या है, घर, घर किससे बोलते हैं, घ, घर नु घ, आया समझ में। यानी हमको इसकी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ पहला क्या लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे बिना मात्रा लगाए। ओके, पेज टर्न करेंगे, देखो नेक्स्ट वीक आपका होमवर्क है हमारा, 21 का। इसमें क्या दिया है, चित्र जोई पहलो अक्षर लिखो स्वर, यानी कि पहले पेज में हमने क्या लिखे थे, व्यंजन लिखे थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, उनके स्वर लिखेंगे। तो ये क्या है, अनार का ड्राइंग है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अ। फिर ये क्या है, आम, तो हम क्या लिखेंगे, आ। अब इसमें हम क्यों मात्राएं लगा रहे हैं, क्योंकि मात्रा लगाएंगे तभी तो वो स्वर कहलाएगा ना, नहीं तो वो व्यंजन बन जाएगा, इसलिए हम मात्रा भी लगाएंगे। तो आ से आम होता है, आ आमनू आ, ठीक है, इसलिए इधर क्या आएगा, आ। अब ये क्या है, इमली, तो इमली किससे आता है, नानी थी इमली, आया समझ में, तो छोटी ई बनाएंगे। फिर है ईख, तो
तो मोटी ई थी ईक थाए, यानी कि बड़ी ई से ईक होता है, तो हम इसमें लिखेंगे बड़ा वाला ई। आया समझ में? व्यंजन जब लिखना होगा तो हम मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब स्वर लिखना होगा तो हम स्वर लिखेंगे, तो स्वर में तो मात्राएं होती है ना। आया समझ में? पेज टर्न करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज कौन सा होमवर्क है, 22 का। इसमें क्या दिया है? आगड़ आवतो व्यंजन लखो, क्या लिखना है? व्यंजन लिखना है। आगे आगड़ आववाड़ो यानी कि बिफोर वाला हम इसका व्यंजन लिखेंगे। तो ये क्या दिया है? ख खटारानु ख, उससे पहले क्या आता है? क कमंडनु क, ओके। अब ये क्या दिया है? छ छत्रीनु छ, इससे पहले क्या आता है? च चकलीनु च। आ रहा है ना समझ में? यानी कि बिफोर वाला हम क्या लिखेंगे इसका? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन लिखेंगे। फिर क्या है? ठ ठणियानु ठ, उससे पहले क्या आता है? ट टपालीनु ट। य यति बाबनु य, से पहले क्या आता है? म म य र ल व, है ना। अब ये क्या दिया है? घ घरनु घ, उससे पहले क्या आएगा? गम गणपति नु ग, ठीक है। अब ये क्या दिया है? ड डगलानु ड, उससे पहले क्या आता है? ड डमरुनु ड, ठीक है। अब ये क्या दिया है? त तलवार नु त, तो उससे पहले क्या आता है? त थर्ड नु था, हुआ क्लियर। म य ग घ ड ढ त थ, यानी कि बिफोर वाला हम कॉन्सोनेंट व्यंजन लिखेंगे, ओके। पेज टर्न करेंगे, नेक्स्ट पेज कौन सा होमवर्क है हमारा, 22 का। इसमें क्या दिया है? बच्चे आवतो मूढ़ाक्षर लखो, यानी कि बीच में आने वाला मूढ़ाक्षर यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है। बच्चे यानी कि बिटवीन में, ओके। तो क डैश ग, तो दोनों के बीच में क्या आता है? ख खटारानु ख। च डैश ज, तो क्या आएगा? छ छत्रीनु छ। ट डैश ड, तो क्या आएगा? टठड़ियानु ठ। ड डैश थ, तो क्या आएगा? त तलवारनु त। ब डैश म, तो क्या आएगा? बभालुनु भ। य डैश ल, तो क्या आएगा? र रथनु र। ह डैश, तो क्या आएगा? रणनु ण। आया समझ में? यानी कि पहले वाले में हमने क्या लिखा था? बिफोर वाला, इसमें लिख रहे हैं बिटवीन वाला, ओके। पेज टर्न करेंगे, ये कौन सा होमवर्क आया हमारा, 23 का। इसमें क्या दिया है? पाछड़ आवतो व्यंजन लखो, यानी कि आफ्टर वाला कॉन्सोनेंट लिखना है, व्यंजन लिखना है, ओके। तो ये क्या दिया है? क, क के बाद में क्या आता है? ख। ग के बाद घ। ट के बाद ठ। म के बाद य। ण के बाद त। त के बाद थ। और क्ष के बाद ज्ञानी नु ज्ञा। हुआ क्लियर? आया समझ में? पेज टर्न करेंगे, देखो ये भी आपका आपका होमवर्क आया 23 का। इसमें क्या दिया है? खूटता अंक लखो, यानी कि जो नंबर बीच में छूट गए हैं उनको भर के हमको क्या करना है? नंबर प्लेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक के बाद क्या आता है? बे। त्रण के बाद चार। पांच के बाद छ। सात के बाद आठ। और नौ के बाद क्या आता है? एकड़े मिंडे दस। वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? ट्वेल्व से पहले क्या आता है? बार पहला सु आवे, बारह से पहले अग्यार। बार के बाद क्या आता है? तेर। तेर के बाद चौद। चौद के बाद पंदर। पंदर के बाद सोड़। सोड़ के बाद क्या आता है? सत्तर। सत्तर के बाद अढ़ार। अढ़ार के बाद ओगणीस। ओगणीस के बाद बगड़े मिंडे बीस, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है इक्कीस। इक्कीस के बाद क्या आता है? बावीस। बावीस के बाद तेईस। तेईस के बाद चौबीस। चौबीस के बाद पच्चीस। पच्चीस के बाद क्या आएगा? छब्बीस। छब्बीस के बाद सत्ताईस। सत्याईस के बाद अट्ठाईस। अट्ठाईस के बाद उनतीस। और एक उनतीस के बाद क्या आता है? तगड़े मिंडे तीस। आया समझ में? पूरा वर्कशीट समझ में आया बेटा आप लोगों को?
इसी तरीके से इस वीडियो का फॉलो लेते हुए आप सबको ये वर्कशीट अपनी अपनी कंप्लीट करनी है डेट टू डेट। अगर आप रोज होमवर्क करोगे तो आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 23 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीक में आपको नेक्स्ट वर्कशीट दिया जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।